सर एक महेश शर्मा जी हैं जो हाई कोर्ट के जज थे और उन्होंने बोला कि अगर मोर वो अपने आंसू टपका देता है तो उससे वो मोरनी गर्भ धारण कर लेती है। एक एक जज, एक पढ़ा लिखा आदमी आज भी इस तरीके की बात कर रहा है, आप क्या कहेंगे? इसमें हंस ही सकते हैं कि ऐसे ऐसे जज होते हैं हमारे देश में, हैं, और सब मेरिट वाले जज हैं। कल मैंने सोशल मीडिया पे देखा एक पूर्व चीफ जस्टिस जो है वो आशाराम के पाँव में गिरे हुए हैं। अगर ये तस्वीर सही है तो मतलब अब देश में हंसी मतलब मजाक ही, जो यूरोपियन सब मजाक उड़ाते हैं इस देश का कि ये ऐसा देश है जिसमें साधु संतु अर्ध नंगा पंगा सब घूमता रहता है, तो इन लोगों का काम ही यही है, इस पर हंसने के अलावा और कुछ नहीं। इनके कभी इनकी सोच में कभी वैज्ञानिकता रही नहीं इनका। वैसे मैं ईश्वर और प्रभु की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति, तुलसी को ही पढ़ लो ठीक से यार, तुमको तुम्हारे माथा में गोबर और गोमूत्र है ही, कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इन्वेंशन नहीं किया, कोई वैज्ञानिक तथ्य लेकर नहीं है, खाली घंटी बजाओ और मिथ में जो है लोगों को चंदन टीका पूजा पाठ ये में फंसा के रखो। अब हमारा बहुजन समाज तो ऐसा है ना कि वो उसी को ट्रैप में लिया हुआ है इसने, दलित समाज, हाँ उसको ट्रैप में लिया। हमारे ही लोग उसको चंदा दे देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और वो जो है ना जनउधारी हमारे ही पैसे से हमारी हत्या का जो है साजिश करता है। तो हमारे हम बहुजन जो एक्टिविस्ट हैं, जो विचारक हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप खासकर बौद्ध मॉन्क सबसे, जो बुद्धिस्ट जो मठ में बैठे रहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु, कि इनसे गुजारिश है कि आप लोग जो है घर से बाहर निकलिए, घर घर जाकर ना बौद्ध धर्म का, भिक्षु का और साइंटिफिक बात का प्रचार कीजिए। चूँकि इन लोगों ने निकलना बंद कर दिया है, सवाल करना बंद कर दिया है, इसीलिए ऐसे लोग आपके घर घर में जो है ना मनु के मिथ पहुँच चुके हैं।